अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत आयशा की 9 ऐसी खसूसियात को शेयर करने जा रही हूँ जो कि बाकी तमाम बीवियों से अलग थी। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह से पहले रेशम के सब्ज टुकड़े पर दिखाई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में से सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुंवारी थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्दा फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में बनी जहां क़यामत तक फरिश्तों का हजूम रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत आयशा के बिस्तर पर भी वही नाजल हो जाती थी। यह खसूसियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और बीवी को हासिल नहीं हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत आयशा थी। कुरान पाक में अल्लाह ने हज़रत आयशा की पाक दामनी के बारे में पूरे 2 रुकू नाजल फरमाए। अल्लाह ने हज़रत आयशा को पाक पैदा किया और पाक हस्ती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा। अल्लाह ने हज़रत आयशा को तोहमत से बरी फरमाकर मगफरत और इज्जत वाली रोजी का वादा फरमाया। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।